हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसकी ऑलरेडी 4.2 और 4.1 एक्सरसाइज करवा दिया है, तो चलो हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब आप जैसे कि आप कभी भी रूट, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में भी रूट्स को फाइंड किया है, या आप उसमें मतलब जो प्रोडक्ट करने पर ये नंबर आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर ये नंबर आने चाहिए, आपने उन मेथडों को अप्लाई किया है। पर इसमें जो ये मतलब जो ये मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये थोड़ा मतलब टफ है, इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आप इन क्वेश्चन को भी सीख लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों की आपकी बहुत प्रैक्टिस करनी है और आपको ये मेथड भी आसानी से आ जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, जैसे कि हमारी फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको ले लेते हैं। ऐसे हम इसका 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो फ्रेंड्स, जो 2x² माइनस 7x प्लस 3 है, इसमें हमें जरूरी हर क्वेश्चन में, हर मतलब जो हर पार्ट इसमें जरूरी है कि जो इसके फर्स्ट वाला जो ये कोफिशेंट है, हमें इसको एलिमिनेट करना है, इसको हमें ख़त्म करना है। तो हम इसको ख़त्म तभी कर सकते हैं कि इससे हम इसके डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दें। तो हम इन सभी के डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0। 0 अपॉन 2 तो 0 ही होगा। तो फ्रेंड्स, अब जब जो हमारे ये वाली टर्म है, ये वाली जो हमारी टर्म है, इसमें हमें जो 2 है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और इसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे, x² माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7x अपॉन 2। हमको कुछ इसे इस तरह से राइट कर देना है, प्लस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा अलग करके, इसमें फ्रेंड्स ये इसका फर्स्ट स्टेप था, ये इसका सेकंड स्टेप था, जिसमें आपको करना है 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है इसके बीच वाले टर्म को, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें एक और स्टेप फॉलो करना है। ये स्टेप हमारा 1 हो गया, ये स्टेप हमारा 2 हो गया, और अगला स्टेप है कि जो ये हमारा 7/2 है, इसको हमें 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये हमारा 7/2 है, इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, रफली कर लेते हैं इसको थोड़ा। जो ये हमारा 7/2 है, इसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। हर क्वेश्चन में हमें इसको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसके बाद इसका हमें स्क्वायर करना है। इस 7/4 हमारा 4 हो जाएगा, 7/4, और इसका हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ये हमारा फ्रेंड्स याद रखना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हो गया था, ये हमारा सेकंड स्टेप है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पर ये 7/4 आया है हमारा, यहाँ पर 2x लिख लेंगे, 2x मल्टीप्लाई 7/2 के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 7/4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो ये प्लस में, जो ये हमारा 7/4 आया है, इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे। 7/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एक बार माइनस में लिख लेंगे 7/4, और इसका स्क्वायर, और ये वाला नंबर था हमारा प्लस 3/2, और इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0। फ्रेंड्स, हमने इसको कुछ इस तरह से लिख लिया है। अब फ्रेंड्स, इसका ये स्टेप तो हमने फॉलो कर लिया, अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा जैसे ये था x² माइनस 2, यहाँ पर x, और यहाँ पर 7/4, और यहाँ पर एक बार ये प्लस था, एक बार माइनस, यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर, ये जो माइनस का 7/4 है, इस साइड जाके प्लस का 7/4 इसका स्क्वायर,
और जे प्लस का 3/2 था, इस साइड जाके माइनस का 3/2, माइनस 3/2, ये हमने ऐसे लिख लिया है। आगे हम करते हैं इसको, आगे भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर कुछ इसकी जो ये है, इन तीन टर्म को देखिए, ये हमारा कोई सा फॉर्मूला बन रहा है, आप देख सकते हो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ये देखिए, ये हमारा है ए स्क्वायर, ये हमारा माइनस 2ab, और ये हमारा है प्लस का बी स्क्वायर। बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, हमारा यही फॉर्मूला बन रहा है। ये देखिए, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यहाँ पर ए बी इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है, और ये फॉर्मूला हमारा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक्स माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49, और 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16, और यहाँ पर आ जाएगा -3/2 आ गया, -3/2 आ गया है। और अब हमको इसका स्क्वायर कैंसिल करना है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरी अच्छे तरह से। -7/4 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, यहाँ पर 16 है इसका, 16 हमारा वो आ जाएगा, 16 हमारा इसका जो है एलसीएम नीचे आएगा ये। तो फ्रेंड्स एलसीएम हमारा वही होना चाहिए जो फर्स्ट पे पहले नंबर पे आए, मतलब 2 के टेबल पे 16 आ रहा है, और 16 होता है, तो फ्रेंड्स इसकी टेबल पे 1 पे जाएगा, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 49, 2 के टेबल पे ये 8 पे जाएगा, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 24, यहाँ पर एक्स माइनस 7/4 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 49 में से 24 जाएंगे तो हमारा बचेगा 25/16, ये हमारे हो चुका है इसका, मतलब जो हमारा आंसर आया है डिनोमिनेटर का। तो फ्रेंड्स एक्स माइनस 7/4, अब हमको इसका स्क्वायर काटना है, स्क्वायर काटने के लिए हमें दोनों साइड अंडर रूट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम इन दोनों के दोनों पर अंडर रूट कर देते हैं, अगर यहाँ पर अंडर रूट होगा तो यहाँ पर भी अंडर रूट होगा, तो यहाँ पर -7/4 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा इसका अंडर रूट भी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 25/16, और इसका भी अंडर रूट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो ये हमारा x-7/4 यहाँ पर ये कट जाएगा, और यहाँ पर x-7/4 बचेगा इज इक्वल्स टू 25 का अंडर रूट होता है 5, 16 का होता है 4। तो फ्रेंड्स जो ये हमारा मतलब 5/4 आया है, 5/4 इसको हम x इज इक्वल्स टू 7/4 लिख लेते हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू प्लस 7/4 लिख लेंगे इसको हम। फ्रेंड्स इसमें एक बात और है, जैसे यहाँ पर शायद एक बार रुक जाए, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ इसको एक बार। फ्रेंड जो ये x है जो ये इस साइड -7/4 है, -7/4 इस साइड जाके प्लस का 7/4 इज इक्वल्स टू 4 नीचे है, तो दोनों में नीचे 4 लिखा जाएगा, 5+7 हमारा हो जाएगा, 5+7 हमारा होगा 12/4, ये 4 1 4 4 3 12, x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3। फ्रेंड्स जो हमारी x की वैल्यू 1 3 आई है, आपको पता हो कि 2 वैल्यू आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये हमारा निशान था, एक बार हमको इसको प्लस में लेना था, एक बार इसको हमने माइनस में लेना था, माइनस में इसीलिए नहीं लेना था, जैसे यहाँ पर 16 है, हमको नहीं पता कि ये प्लस और माइनस में कैसे, इसके 4 जो थे ये ऐसे भी हो सकते हैं, 4 × 4 इज इक्वल्स टू 16 भी हो सकता है, -4 × -, तो हमें नहीं पता कि इसके जो ये 4 थे ये माइनस में थे या प्लस में थे, तो इसीलिए हमको x की वैल्यू 2 बार लेनी होगी,
और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हमने इसकी वैल्यू प्लस में ले ली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस का निशान है इसका। और एक बार ले लेंगे हम इसकी वैल्यू को, एक बार हम इसकी वैल्यू को ले लेंगे माइनस में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम जैसे माइनस 5/4 प्लस 7/4। 4 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 1 4, फिर 4 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7, यहाँ पर आ जाएगा फिर प्लस का 7, प्लस का 7 आ गया। तो यहाँ पर 7 में से 5 जाएंगे, 7 में से 5 जाएंगे तो हमारा बचेगा 2, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। एक वैल्यू हमारी एक्स की आ चुकी है, एक वैल्यू हमारी एक्स की आई है 3, एक वैल्यू हमारी आई है 1/2। ऐसे ही हम इसका थर्ड क्वेश्चन, फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, जो इसका सेकंड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, वो आपको अपने आप करके देखना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको नहीं आएंगे। मैं इसका थर्ड पार्ट आपको करके दिखा दूँ, क्योंकि आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा। तो चलो हम उसको कर